तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल BSC अपडेट। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th वाले हैं, ठीक है, बायोलॉजी वाले, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग को करना क्या है, आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा उसी को एग्जाम में आप लोग को आएगा, ठीक है, और उतना ही ऑब्जेक्टिव को बना के आना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को बिना देरी के चलिए आप लोग के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो को वॉच कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो को आप लोग को अगर टाइम बचाना है तो ठीक है, इसको 2x पे चला के अपना जो है आंसर देख लीजिए, ठीक है, सभी क्वेश्चन का। चलिए आप लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ATP, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया कि ऑक्सीजन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है, CO2, H2O और ऊर्जा, ठीक है। बहुत स्पीड में आप लोग को क्वेश्चन जो है आंसर मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को बहुत जल्दी जल्दी आप लोग को आराम से नोट कर लेना, ठीक है। प्रकाश अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मान लीजिएगा ग्रेना में, ठीक है ना। उसका देखिए, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी का क्या होता है, तो इसका बेसिक यूनिट होता है प्रजाति, स्पीसीज, ठीक है ना। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि स्पीसीज प्लैंटेरम के लेखक कौन है, तो स्पीसीज प्लैंटेरम के लेखक आप लोग का लीनियस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट, आप लोग को वर्क करना क्या, इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ दिया गया एड्स वायरस में होता है, ठीक है। तो एड्स वायरस में क्या क्या होता है, तो एड्स वायरस में आप लोग को RNA और प्रोटीन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को बोला गया है कि इसमें क्वेश्चन हिंदी का कट गया, तो इंग्लिश में बता दें नंबर ऑफ कोटिलीडोन्स इन पाइनस सीड, यानी कि पाइनस सीड में आप लोगों को कोटिलीडोन्स का संख्या कितना है वही पूछा गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया पादप जगत का उभयचर कहलाता है, यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इज, तो पादप जगत का उभयचर हम लोग ब्रायोफाइटा को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया गोल्गी उपकरण का क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो गोल्गी उपकरण का जो क्रियात्मक इकाई सिस्टर्नी होता है, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग इसको 2x पे देख लीजिएगा, आप लोग का टाइम बचेगा, ठीक है। तो माइटोटिक प्रोफेज 1 की अंतिम अवस्था क्या है, फाइनल स्टेज ऑफ माइटोटिक प्रोफेज, ठीक है। तो इसका 10 नंबर का आप लोग का सही ऑप्शन जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोग 11th में पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। उसके बाद बोला गया है कि क्रोमोसोम पर आधारित वर्गीकरण को कहते हैं, यानी कि क्रोमोसोम पर आधारित वर्गीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन से 12 पूछा गया, जीवाणु में किस प्रकार का DNA पाया जाता है, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ DNA फाउंड इन बैक्टीरिया। तो देखिए, जीवाणु में जो पाया जाता है ना, तो वो आप लोग को होता है कुंडली DNA, कॉइल्ड DNA। उसके बाद बोला कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन अवस्थित है, तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे है वो, हावड़ा में है, ठीक है, हावड़ा ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद बोला गया है पीपल में पुष्करम होता है, यानी कि इन लियोसिन्स इज फाउंड इन पीपल, ठीक है। तो पुष्करम कहाँ होता है, तो इसका आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा हाइपेथेडियम में, ठीक है। उसका चलिए 15 नंबर पूछा गया है कि वक्रमूल किससे बनती है, तो वक्रमूल किससे बनेगी, वक्रमूल जो आप लोग का होगा सैंपल में, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया कि सहकोशिकाएं पाई जाती है, सहकोशिकाएं 16 नंबर पूछा गया, सहकोशिकाएं पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग सी जो है डाल दीजिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। उसके बाद बोला गया 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर यहाँ पे देखिए 16 का सी लिख लीजिएगा, 17 का देखिए यहाँ पे 17 का बराबर भी चीज़ें टीशू, तो यहाँ पे रक्त हो जाएगा, ठीक है। 17 का आप लोग का भी सी, 16 का भी सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वरकोश पाया जाता है, स्वरकोश यानी कि वोकल सेक इज फाउंड इन, वोकल सेक किस में पाया जाता है, तो वोकल सेक जो आप लोग का नर मेढक में पाया जाता है, मेल फ्रॉग में। रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया खरगोश में नहीं पाया जाता है, तो खरगोश में क्या हो जाएगा, कैनाइन जो आप लोग को नहीं पाया जाता है, ठीक है। बोला गया मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, सेरिब्रम। उसके अगले हेनले लूल पाया जाता है, यानी कि हेनले लूप इज फाउंड इन, ठीक है। तो हेनले लूप कहाँ, वृक्क में, किडनी में, ठीक है ना, आप लोग का 22 का सी हो जाएगा। उसके देखिए 23 नंबर बोला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, तो इसका हो जाएगा नॉल और रस का, ऑप्शन नंबर बी मान लीजिएगा, ठीक है, सबको नोट कर लीजिए। 24 नंबर पूछा गया कि तरल मोजेक मॉडल को मत को प्रस्तुत किया, फ्लूड मोजेक मॉडल इज प्रपोज्ड बाय, ठीक है। 24 का आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सिंगर निकालसन, ठीक है ना। उसके बाद 25 बोला गया DNA का संश्लेषण होता है, DNA का संश्लेषण कौन सा अवस्था में होता है, तो यही पूछा गया, DNA का संश्लेषण जो आप लोग का हमेशा S फेज में होता है, ठीक है ना।
उसके द्वारा डीएनए का संश्लेषण के बाद किस विटामिन में कोबाल्ट रहता है, ठीक है? तो विटामिन, कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में, ठीक है? उसके बाद लिपिड होता है, लिपिड क्या होता है? तो लिपिड जो आप लोग का होता है फैटी एसिड यानी कि फैटी अम्ल होता है। उसके बाद बोला कौन सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट सबसे जो आप लोग को प्रबल है यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है ना? तो 28 का ऑप्शन नंबर आप लोग बताइएगा वहाँ पे, मतलब कौन सा हो जाएगा इसमें, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है? दो क्वेश्चन आप लोग को दिया हूँ, एक 10 नंबर का और एक 28 नंबर, दोनों कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों? और एग्जाम कैसा जा रहा है वो भी बताइएगा। कैल्सिरोल किसका दूसरा नाम है, तो कैल्सिरोल जो होता है वो किसका दूसरा नंबर होता है, तो वो होता है विटामिन डी का, ठीक है ना? उसका देखिए 30 नंबर पूछा है कोशिकीय श्वसन में बनता है यानी कि इन सेलुलर रिस्पिरेशन विच ऑफ द फ्लोइंग इज, यानी कि कोशिकीय श्वसन में क्या बनेगा, तो ATP बनता है। मानव हृदय में कितने वेश होते हैं यानी कि चैम्बर कितने होते हैं, तो चैम्बर जो होता है वो आप लोग को 4 होता है यानी कि 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए 32 नंबर लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, अमीबा का प्रचलन अंग यानी कि, यानी आप लोग का लोकोमोटरी ऑर्गेन पूछा गया है, ठीक है ना? ऑर्गेन ऑफ अमीबा इज यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गेन क्या हो जाएगा, कूटपाल, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग जो वीडियो को लाइक कर दिएगा, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं बायोलॉजी का, जितने भी स्टूडेंट का एक बार जरूर कमेंट कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है ना? बहुत सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ये जो आप लोग बायोलॉजी का एग्जाम देने वाले, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।